अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आपके साथ एक 5 मरला का घर शेयर करने वाले हैं। ये घर आपको अल रहमान गार्डन के फेज 3 में मिलता है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये सोसाइटी आपको जीटी रोड के ऊपर मिलती है और सोसाइटी के अंदर भी ये घर आपको काफी अच्छी लोकेशन पे मिलता है। इस घर की डिमांड आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख मिलती है। यहाँ पे गैस आ चुकी है, कंप्यूटराइज्ड आपको रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन मिलती है, सोसाइटी के रोड बहुत अच्छे बनाए गए हैं और काफी अच्छे तरीके से सोसाइटी मेंटेन की गई है। घर के अंदर भी काफी अच्छा काम किया गया है। अभी हम घर के अंदर चलते हैं और घर का एक छोटा सा आपको टूर करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम एक 5 मरला का बड़ा खूबसूरत सा घर आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। अभी हम इसका एक छोटा सा आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे स्टेप बनाए गए हैं, आप यहाँ पे गार्डन भी बना सकते हैं। घर के आगे तकरीबन 4 फुट आपको जगह मिल जाती है। एंट्रेंस पर आप एक बड़ी गाड़ी ईजीली खड़ी कर सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स की वजह से मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, तो यहाँ पर एक गाड़ी आ सकती है। यहाँ पर 2-3 बाइक्स आप इजीली खड़ी कर सकते हैं और फॉल सीलिंग आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है। दीवारों पे आपको बड़ा अच्छा सा एक पेंट मिलता है, वॉलपेपर नहीं है। और यहाँ पे एक लकड़ी में डेकोर का काम किया गया है। जो मेन गेट है वो काफ़ी एक सॉलिड लकड़ी का है और यहाँ पे आपको एक बड़ा स्टेप मिलता है ताकि यहाँ पे अगर बारिशें होती हैं या पानी खड़ा नहीं होता। ऑलरेडी घर बहुत ऊँचा, लेकिन फिर भी एक काफ़ी हाइट पर इस घर को बनाया गया। यहाँ से ऊपर स्टेयर जाती हैं और आपको यहाँ पर सारा एक अच्छी रेलिंग और सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अलमूनियम में आपको विंडो मिल जाती है। ये हम अंदर आते हैं तो आपको ये वाला ड्रॉर मिलता है, एक सॉलिड डोर आपको मिलता है। ये सारा आपको टीवी लाउंज मिल जाता है। ओपन किचन है यहाँ पे। किचन में कुछ काम रहता है अभी जो कि 1 से 2 दिन में हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इस तरफ एक बड़ी दीवार मिलती है और ये जो एक टीवी लाउंज है और ड्राइंग रूम है, इसको कम्बाइन कर दिया गया है। कोई भी सेपरेशन नहीं है तो आपको एक बड़ा वाइड और खुला सा यहाँ पे व्यू मिलता है। आप इजीली यहाँ पे सोफ़ाज़ लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं। आपको इस तरह से बड़ा एक ना खुला सा व्यू नज़र आता है। तो ऊपर जो फॉल सीलिंग है वो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे की गई है और बाहर देखने के लिए आपको यहाँ पे भी एलुमिनियम की विंडो मिल जाती है। वॉल लैम्प्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर नीचे आपको मार्बल मिलता है और इसका बड़ा खूबसूरत सा ब्लैक मार्बल है और सेम वही मार्बल आपको पीछे रूम्स में मिलता है। रूम्स की तरफ आते हैं, 2 यहाँ पे रूम है और एक अच्छा वॉलपेपर तो नहीं है लेकिन एक अच्छा पेंट यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आपको बड़ा डिकोर वाला काम मिल जाता है। ऊपर आपको एक बड़ी यूनिक सी फॉल सीलिंग मिल जाती है। वॉल्स, तीनों वॉल्स पे डिफरेंट कलर किया, एक ग्राफिक का काम किया गया है बड़ा यूनिक सा। और यहाँ पर आपको जो इसके दरवाजे मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं वाशरूम की तरफ। तो वाशरूम में आपको टाइल मिलती है, सीट मिल जाती है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, शॉवर बेसन और ये चीज़ें। और जो डोर है वो आपको प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पे आपको पीछे का वेंटिलेशन का एरिया मिलता है। वेंटिलेशन का एरिया भी काफ़ी खुला है और आप इसको इस रूम से एक्सेस नहीं कर सकते, इस रूम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और ऊपर तक अगर आप देखते हैं तो आपको इस तरह का काम मिलता है। अभी हम दूसरा रूम देखते हैं। दूसरे रूम में भी सेम उसी तरह तीनों वॉल्स पे सेम कलर्स और आपको वॉल लैम्प मिल जाते हैं, फॉल सीलिंग मिल जाती है बड़ी खूबसूरत सी, आपको बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको ये ओपन एरिया मिलता है और इसके साथ जो वाशरूम है वो अटैच इस साइड से नहीं है, तो आपको एक ही डोर मिलता है। यहाँ से आप आते हैं तो ओपन एरिया कर लेते हैं एक्सेस और यहाँ से आप फिर वाशरूम में इस तरह से एंटर होते हैं। तो ये जो है इसकी एक्सेस आप सिर्फ इस रूम से कर सकते हैं। वाशरूम में भी सेम सीट, सेम टाइल्स, ऊपर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है। हमने 2 रूम देख लिए हैं। अगेन हम बाहर टीवी लाउंज में आ गए हैं और ये सारा किचन है। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल ऊपर दूसरी फैमिली को देना है, तो अगर आप इस रूम को लॉक कर देते हैं तो आपका पूरा घर सिक्योर है, वहाँ से कोई भी इसकी एंट्रेंस नहीं है। अब हम चल रहे हैं जो ऊपर स्टेयर्स पे आपको 2 किस्म का मार्बल मिलता है, ब्लैक और एक बादल। और यहाँ पर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर व्यू नज़र आता है। ये नीचे से सीढ़ियाँ आई, यहाँ पर आपको एक रूम मिलता है, सामने आपको 2 रूम मिलते हैं। तो ये ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छा इस एरिया को यूटिलाइज़ किया हुआ है कि एक जो जगह है वो भी काफ़ी खुली छोड़ी है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको सेम एक बड़ा खूबसूरत सा सेम मार्बल मिलता है, सेम फॉल सीलिंग बड़ी खूबसूरत सी, और पेंट मिलता है, वॉलपेपर नहीं है। और यहाँ पे अटैच जो वाशरूम है वो देख लेते हैं। वाशरूम्स में प्लास्टिक के डोर्स दिए गए हैं। ये एक अच्छा सोल्यूशन होता है क्योंकि ये लाइफ टाइम होते हैं, लेकिन इनसे ब्यूटी में थोड़ा सा फ़र्क आता है। दूसरा जो 2 रूम है वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इसका सामने का व्यू है। यहाँ पर भी एलुमिनियम की विंडो लगाई गई है और ये इधर से ओपन है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ओपन किचन मिल जाता है अगेन यहाँ पे। और यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलती हैं जहाँ से आप ऊपर जाते हैं। यहाँ पे वुडन एक टाइल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी आपको अच्छा काम मिलता है लकड़ी का। यहाँ पे आपको सिंक और सारा इस तरह के बर्तन मिल जाते हैं। ये आपका टीवी लाउंज है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है
यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हैं, यहाँ पे सोफ़ाज़ आएंगे तो इजीली गैदरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको दो रूम मिल जाते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, सेम वही स्टाइल जो नीचे है। यहाँ पे आपको एक अच्छा पेंट और वॉलपेपर, ऊपर एक अच्छी फॉल सीलिंग मिल जाती है। वाशरूम में जाते हैं तो आपको एक ब्राउन कलर की टाइल मिलती है, सीट मिलती है और ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है। यहाँ से सेम उसी तरह एक वेंटिलेशन के लिए एरिया छोड़ा गया है। और अब हम दूसरा रूम अगर देखें तो दूसरे रूम में भी सेम मार्बल, पूरे घर में ब्लैक मार्बल है। यहाँ पे आपको पेंट और फॉल सीलिंग वगैरह मिल जाती है। वॉशरूम में जाते हैं तो सेम वही ब्राउन टाइल और वही सीट और बेसन, पूरे घर में एक मोड नहीं है वॉशरूम्स में, और सीट दी गई है। यहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया है, यहाँ पे टीवी आएगा तो खूबसूरत से यहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया। अब हम फर्स्ट फ्लोर भी इसका देख चुके हैं, अब हम चलते हैं छत का, थोड़ा सा व्यू दे देते हैं आपको और थोड़ी सी सोसाइटी भी आपको दिखा देते हैं। ये अल रहमान गार्डन फेज़ 3 में है। ये आप इसे सर्वेंट रूम भी कह सकते हैं, स्टोर रूम भी कह सकते हैं। फॉल सीलिंग यहाँ पे नहीं है, दो तीन लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे एक आप डोर मिल जाता है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको छत मिलती है। छत के ऊपर एक अच्छा काम किया गया है, छत को प्रॉपर मेंटेन किया गया, प्लस्तर दीवारों पे नहीं है लेकिन एक पेंट किया गया। टैंक आपको मिल जाता है, साइड पर आपको एक जगह मिल जाती है जहाँ पर आप कपड़े धो सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं, और ये सारा वेंटिलेशन का एरिया है। तो गाइस ये अल रहमान गार्डन फेज़ 3 में घर है, 5 मरला का, और इसकी डिमांड आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वापडा यहाँ पे आ चुकी है, और इस घर का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो वापडा के पोल्स हैं वो इस साइड पे नहीं है, दूसरी साइड पे हैं। तो गाइज ये आप 5 मरला का घर देख रहे थे जो कि अल रहमान गार्डन फेज 3 में मौजूद है। इस घर की डिमांड आपको 1,40,00,000 मिलती है। ये घर डायरेक्टली आपको मेहरबान प्रॉपर्टी ग्रुप के पास मिलेगा, और हमारा ऑफिस आपको गोस्ट गार्डन जो कि केनाल रोड के ऊपर है वहाँ पे मिलेगा। इस घर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इस सोसाइटी में और घरों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इसके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके अंदर बहुत से घर अवेलेबल हैं, बहुत से प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इन तमाम चीजों के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में किसी किस्म की कोई भी असिस्टेंस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।